आज मैं आपके साथ में घुघुती की और खजूर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पहाड़ों में मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में सौंफ और सफेद तिल यानी कि व्हाइट तिल का यूज किया जाता है। उसमें हम गुड़ के पानी को मिलाकर आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। उसे ज्यादा नरम भी नहीं करना है और ज्यादा कड़क भी नहीं करना है। और उसे बाद में हम इस तरह से बना लेंगे इस शेप में, और उसे सेम आटे से हम इसे भी बनाएंगे। घुघुती बनाने के लिए मैंने आटा गूंद लिया है। इस आटे के लिए हमने गेहूं का आटा 1 कप लिया है। इसमें गुड़ के पानी से इसे गूंदा जाता है और इसमें मैंने सौंफ और व्हाइट तिल जो होते हैं उसे ऐड किया है और इसे गुड़ के पानी से अच्छे से गूंद लिया। इसे ज्यादा नरम भी नहीं गूंदना जाता और ज्यादा कड़क भी नहीं। आटा गूंद लेने के बाद में हम छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे ऐसे लंबी लंबी लोई की तरह बना लेंगे। अब हम इसे घुघुती का शेप देंगे। पहाड़ों में मकर संक्रांति के दिन इसे बनाया जाता है और इसकी माला बनाकर बच्चों को पहनाई जाती है और कौवे के लिए भी एक माला बनाई जाती है। और हमारी घुघुती बनकर तैयार है। अब हम इसे ऑयल गरम करने के बाद में डीप फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे थोड़े से खजूर बनाए हैं। वही सेम आटे को लेकर मैंने रोटी की तरह बेल लिया है और इस तरह शेप में कट कर लिया है घुघुती। और इसे मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है और इसे भी डीप फ्राई किया जाएगा जैसे महाराष्ट्र में शंकरपाली बनाया जाता है दिवाली के लिए। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो घुघुती बनाया है उसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तेल को अच्छे हाई फ्लेम पर गरम कर ले और बनाने के वक्त में मीडियम फ्लेम पर रखें। और हमें एक साथ में ज्यादा भी नहीं डालने, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद में हम इसे निकाल देंगे। और ये हमारे घुघुती और खजूर बनकर तैयार है। और ये हमारे घुघुती और खजूर बनकर तैयार है। खजूर को भी एक्चुअली थोड़ा मोटा मोटा बनाया जाता है, पर मुझे इस तरह से क्रंची खजूर पसंद है इसलिए मैंने इसे थोड़े से पतले बनाए हैं। आप इसे एज अ स्नैक्स भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।